तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में और एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के डैम्स के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड अपने डैम्स, वाटरफॉल्स, माउंटेन्स और फॉरेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हम सबसे रिलेटेड वीडियो डाल चुके हैं या फिर डालने वाले हैं, तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो झारखंड में बहुत सारे फेमस डैम्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि नेतरहाट डैम है, गेतलसूद डैम है, सीतारामपुर डैम है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फेमस डैम्स हैं। और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को कहाँ जाना चाहिए और कहाँ सबसे ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर वन पे आता है सीतारामपुर डैम। इसका लोकेशन है जमशेदपुर और इसका डिस्टेंस है 125 किलोमीटर रांची से। जमशेदपुर में अगर आप रहते हैं तो ये डैम जरूर से ज़रूर विजिट करें। दूसरे नंबर पे आता है गेतलसूद डैम। इसका लोकेशन है ओरमांझी रांची और इसका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर रांची से। तो गेतलसूद डैम बहुत ही एक बढ़िया डैम है और अगर आप नेचर लवर्स हैं और अलग अलग प्रकार के पंछी देखना चाहते हैं तो आप यहां पे जरूर आ सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है गरगा डैम। इसका लोकेशन है बोकारो स्टील सिटी और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1950 में। इसका डिस्टेंस है 110 किलोमीटर रांची से। बोकारो स्टील सिटी कितना फेमस है वो तो है ही फेमस, लेकिन गरगा डैम भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है बोकारो सिटी में। तो यहाँ भी आप एक बार जरूर जाएं और अपना कुछ समय जरूर बिताएं। चौथे नंबर पे आता है पलना डैम। इसका लोकेशन है चांडिल टाउन ऑफ सरायकेला, सरायकेला में यह मौजूद है और इसका डिस्टेंस है 90 किलोमीटर रांची से। पाँचवें नंबर पे आता है झरिया डैम। झरिया डैम बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसका लोकेशन है लातेहार। उसके बाद इसका डिस्टेंस है 107 किलोमीटर रांची से। तो अगर आप लातेहार में रहते हैं तो डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाकी सारे जगह अगर नहीं गए हैं तो आप बहुत बड़ा चीज़ मिस कर रहे हैं, बेतला नेशनल पार्क। तो ये सारा जगह में आप ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। छठे नंबर पे आता है नेतरहाट डैम। नेतरहाट तो फेमस है ही, लेकिन नेतरहाट का डैम भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसका लोकेशन है नेतरहाट, अगर आप बस से नेतरहाट जा रहे हैं तो बस स्टैंड से ये 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, नेतरहाट बस स्टैंड से। इसका डिस्टेंस है 156 किलोमीटर रांची से। सातवें नंबर पे आता है चांडिल डैम। चांडिल डैम कितना ज़्यादा फेमस है, जो आसपास में रहते होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा। इसका लोकेशन है नॉर्थ पार्ट ऑफ जमशेदपुर, जमशेदपुर के नॉर्थ पार्ट में ये मौजूद है और इसका डिस्टेंस है 104 किलोमीटर रांची से। आठवें नंबर पे आता है हटिया डैम, जिसे हम लोग धुरवा डैम के नाम से भी जानते हैं। रांची के जितने भी लोग होंगे वो धुरवा डैम से काफ़ी वाकिफ होंगे, लेकिन बाकी लोग यहाँ के बारे में नहीं जानते होंगे। धुरवा डैम काफ़ी अच्छा डैम है और बहुत बड़ा डैम है। नौवें नंबर पे आता है पतरातू डैम, और जो कि पतरातू लेक रिजॉर्ट के बगल में ही मौजूद है। पतरातू लेक रिजॉर्ट इसी के पास बना हुआ है और बगल में ही जलेबी घाटी भी है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। तो अगर आप पतरातू डैम विजिट करते हैं तो जलेबी घाटी भी विजिट कर सकते हैं। इसका लोकेशन है पतरातू और इसका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर रांची से। दसवें नंबर पे आता है तिलैया डैम, और इसका लोकेशन ही भी तिलैया ही है और इसका डिस्टेंस है 150 किलोमीटर रांची से। ग्यारहवें नंबर पे आता है तेनूघाट डैम, और इसका लोकेशन है बोकारो रामगढ़ का जो रोड है NH 33, उसके बीच में ये मौजूद है, अगर आप गोला की तरफ जा रहे हो तब। और इसका डिस्टेंस है 87 किलोमीटर रांची से। 12वें नंबर पे आता है मसनझोर डैम, और इसका लोकेशन है दुमका डिस्ट्रिक्ट और इसका डिस्टेंस है 154 किलोमीटर रांची से। 13वें नंबर पे आता है कांके डैम, और इसका लोकेशन है कांके रोड रांची और इसका डिस्टेंस है 12 किलोमीटर रांची से। कांके डैम के बगल में ही रॉक गार्डन है, अगर आप कांके डैम जाते हैं तो रॉक गार्डन भी जरूर विजिट करिए, काफ़ी अच्छा जगह है। और 14वें नंबर पे आता है मैथन डैम। मैथन डैम बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसका लोकेशन है मैथन सिटी और इसका डिस्टेंस है 48 किलोमीटर धनबाद से और 205 किलोमीटर रांची से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो करना है ही, लेकिन झारखंड से रिलेटेड हम लगातार अभी वीडियो डाल रहे हैं और डालते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। झारखंड से रिलेटेड वीडियो आने वाला है, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।